नाम है राजा धनुर। हम लोग जाते हैं ना खेरा स्थान जाते हैं ना खेरा गांव में, वहां पर एक संत भजन करते थे जिनका नाम था श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। क्या नाम था? श्री लोकनाथ दास गोस्वामी। कहते वो वहीं पर भजन करते थे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले वो ब्रज में सबसे पहले वो आए ब्रजमंडल में, और बड़ी सिद्ध महात्मा कृष्ण लीला में वो थे मंजू लाली सखी, मतलब राधा रानी की अत्यंत प्यारी वो सखी थी। वहीं पर वो भजन करते थे। भजन करते समय एक दिन उन्होंने वहां पर एक कुंड है जिसका नाम संगम कुंड। आप लोग गए कि नहीं वहां पर? कौन कौन गए थे इस बार परिक्रमा में? हाँ, एक दो गोपी और तीन चार। हाँ, इसलिए उसका नाम संगम कुंड है। उसी कुंड में ही वो ठाकुर जी जो थे, बड़े सुंदर ठाकुर जी है, उसी कुंड में ही ठाकुर जी थे। किसी भक्त ने कभी पूजा किया होगा वहीं पर उनको छोड़ दिए, और ये संत वहीं भजन करते थे। जब उन्होंने पानी में स्नान करने के लिए गए, वो ठाकुर जी अपने आप उनको हाथों में आ गए। ठाकुर जी आ गए तो ठाकुर जी बात करने लग गए, बोले मैं बड़े दिनों से ये कुंड में पड़ा हुआ था, मेरे को बड़े जोर से भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाना खिलाओ। तो उन्होंने बड़े सुंदर रोटी सब्जी बड़े सुंदर उन्होंने खाना बनाए। जब ठाकुर जी को खाना खिलाने दिया ना, बोले ये थोड़ा चटपटी चीज कोई है नहीं, अरे चटनी फाटनी तो बनाओ कुछ, मगर चटपटी से स्वाद नहीं आ रहा है। फिर तो संत है ना, वो कहां से लाएंगे? जो इमली का जो पत्ता है ना, वो इमली की पत्ता का चटनी बनाया और उसमें नमक दे करके ठाकुर जी को भोग लगाया। सचमुच से ठाकुर जी खाना खाए हैं? ठाकुर जी खाना खाए। ठाकुर जी खाने के बाद ठाकुर जी फिर बोले देखो बड़े दिनों से ये पानी में पड़ा हुआ था, इसलिए मेरे को ठंडी लग रहा है, थोड़ा कपड़ा तो पहनाओ, थोड़ा गर्मी कपड़ा पहनाओ, इतना दिन तक पानी में पड़ता। फिर उन्होंने कपड़े किसी तरह से पहनाए, बोले बड़े दिन से सोया नहीं था, थोड़ा हाँ गद्दा का थोड़ा बिस्तर का सही कर तैयार कर दो। फिर उन्होंने सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके लाए, फूल की सज्जा बनाए, ठाकुर जी को सुलाए। बोला अरे गर्मी लग रहा है, इतना पंखा तो झुला। तब उन्होंने आज से 550 साल पहले, वो तो कभी जंगली जंगल था, फिर उन्होंने पेड़ के सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते लाए, ठाकुर जी को थोड़ा पंखा झुलाया। बोले थोड़ा प्यार तो दबा दो, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा प्यार दबाओ। फिर उन्होंने ठाकुर जी की उन्होंने प्यार दबाया और ठाकुर जी चैन से सो गए। हैं? अभी वो ठाकुर जी को हम दर्शन करेंगे, हर समय वो अपना भक्तों से हर समय बात करते थे। हम कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपिया जैसे तुम नचाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते, ठाकुर के पास में भी जाएंगे, दर्शन करेंगे वो ठाकुर जी को। कहते वो संत जब रहते थे वहीं पर, हमारे संप्रदाय में और बहुत बड़े के संत हुए जिनका नाम था श्री नरोत्तम दास ठाकुर। नाम सुने कि नहीं इनका? हाँ, जिनके रोज रोज हम जिनकी जो कहते हैं ना, राधा कृष्ण प्रायण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति आर नाही मोर, कालिंदीर कुले के लिए कादंबेर भाना रसन विदीर ऊपर बसव दुजना, श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदने रगाता, श्याम रघुलाभ कवि हेव मुख चंद्र, ललिता विशाखादि जत सखी प्रीत, अन्याय करीब सेवा चरणारविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास
जाते हैं ना, सब इनकी ही भजन है। हाँ, इनकी इनकी ऐसे भजन है। प्रभुपाद कहते थे, बोले बताओ किसको कृष्ण प्रेम चाहिए, हाथ उठाओ किसको कृष्ण प्रेम चाहिए। सबके सब हाथ उठा दिए। बोले था हम इसलिए भजन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम मिले। बोले तुमको एक आना में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। एक आना मतलब छह पैसा। बोले छह पैसा में कृष्ण प्रेम, बोले कैसे। बोले उसी समय इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था प्रेम भक्ति चंद्रिका। बोले प्रेम भक्ति की चंद्रिका स्वरूप है वो ग्रंथ का। अद्भुत ग्रंथ है जो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त सद्म इनका ही कीर्तन है। इनका ही कीर्तन है, अद्भुत अद्भुत कीर्तन इनकी। कहते हे राधे कब मैं नुपुर बन जाऊंगा और आपका चरण में नुपुर रूप में आपका चरण में कब मेरे को पहनाओगे। पहले माता ही नुपुर पहनती थी, अब तो नुपुर पहनती नहीं। जो शादी हो जाए ना नुपुर जरूर पहनती थी। बोले क्यों, जब वो चलती ना प्यारा छम 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 आवाज होता था और वो आवाज सुनकर पति को बड़ा खुश लगता था पति। और हाथों में एक दो शंखा नहीं, हाथ में बहुत सारी चूड़िया पहनती थी। बोले क्यों, बोले स्त्री जब घर का काम करती ना चूड़ी की आवाज नहीं होती है। वो चूड़ी की आवाज और चरण का जो नुपुर वो जब पति को कान में पड़ता था, जब पत्नी घर के काम करती थी जब उसकी आवाज पति को कान में पड़ता ना पति बड़ा खुश होता था। अरे मेरी बीवी काम कर रही है, मेरी बीवी घर की सेवा कर रही है। इसलिए वो कह रहे कब एक दिन होगा जब मैं नुपुर बन जाऊंगा श्री राधा रानी की। और राधा रानी जब छम छम करके चलेगी ना राधा रानी, उनके चरण की जब आवाज होगा नुपुर बन के कृष्ण को कानों में जब पड़ेगा कृष्ण बड़े खुश होंगे। है इसलिए बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने भजन लिखे राधा कृष्ण के ऊपर में, बड़ी रसमी भजन लिखे। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे ये ग्रंथ को केवल खरीदी करो और केवल ये ग्रंथ को पढ़ो बस तुम्हें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। इतने वो, अब वो कौन थे सिद्धार्थ दास ठाकुर, इनको बताए ये चैतन्य महाप्रभु के ये प्रेमावतार थे चैतन्य महाप्रभु के। हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दुनिया छोड़कर गए अपना प्रेम को, एक नदी है पूर्व बंगाल में जिसका नाम पद्मा नदी कहते हैं। महाप्रभु अपना प्रेम को उसी नदी में रख कर गए और नदी को बोल कर गए, बोले नदी कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़ा संत आएगा, बहुत बड़े संत आएगा। मैं जो प्रेम तेरे पास में रख करके जा रहा हूँ ये प्रेम को उस संतों को देना। वो नदी प्रश्न करती है हमें कैसे पता चलेगा वो वही महापुरुष। बोले वो इतने बड़े संत हैं जब ये तेरे पास में आएंगे, जब केवल उनका चरण स्पर्श हो जाएगा तुम्हारी पानी में अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रेम उफरना शुरू हो जाएगा। अपने आप तुम्हारा प्रेम हृदय में उफरना शुरू होगा। प्रे समझना वो यही महापुरुष है, समझो कितने बड़े संत। और जब वो केवल चरणों का स्पर्श किया नदी में पानी अपने आप उफरने लग गया और ऐसे पानी उफरना शुरू किया और उसी समय हवा बही और वो नदी में हवा को लगते हुए वो हवा जिस तरफ पे चली गई, जिस तरफ में वो हवा चली गई पूरा वो देश को उधार कर दिया। और जितने हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी भक्ति प्रबोध पुरी गोस्वामी महाराज, भक्त देते माधव गोस्वामी महाराज, ये जितने संत हुए वो उसी तरफ से आए। केवल इनकी चरण स्पर्श से केवल उतना हवा जिस तरफ में गई थी, अभी भी उस तरफ में जो जन्म लेते हैं ना बड़े कृष्ण भक्त होते हैं, महाप्रभु का बड़े भक्त होते हैं। वही लोग जो संत रूप में जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर थे राजा का बेटा थे। जब उनको कृष्ण प्रेम में दीवानी बने उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ करके महाप्रभु का प्रेम में उतावला होकर के भजन गाते गाते आते थे। बोले कौन सा भजन, बोले गौरांग बोली ते हवे फूला का शरीरा, हरि हरि बोली ते ना ज्ञान बाबे नीरा, आर का बनीताय चाते करुणा हई वे संसार बसना मोर कब विषया छिया कबे सुता विमाना कबे आमरे राम श्री वृंदावन।
आईने आको दे कभी हम पूजा बसे जुगला पीरी आर पर घुनाथ पदे रहुग मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तब ये भजन गा गा करके एकदम महाप्रभु का प्रेमी उतावला होकर के आए वृंदावन में आए। अभी जब तक गुरु ग्रहण नहीं करेंगे ठाकुर को कृपा नहीं होगा हैं? गुरु के बगैर तो ज्ञान नहीं मिलता, भगवान की कृपा नहीं मिलता है। बोले गुरु हम बनाए किसको? उस समय तो घराघर जंगल है सबके सब, गुरु मिले कहाँ पर? ढूंढे यहाँ पर कोई अच्छे संत है कि नहीं। उनको पता चला एक बहुत बड़े संत है, वो खेरा में हैं, खेरा में खदरी वन में भजन कर रहे हैं। फिर उन्हें उनको ढूंढते ढूंढते आए, लेकिन वो पहले प्रतिज्ञा की मैं जीवन में कभी चेला नहीं बनाऊंगा, हम भजन करते करते ऐसे चला जाऊंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। लेकिन इन्होंने आकर के गुरु रूप में उनका दर्शन किया। बोले मैं तो आपको मन मन में गुरु मान लिया हूँ, इसलिए मेरे को दीक्षा देना पड़ेगा। बोले भैया मैं दीक्षा पत्र नहीं देता हूँ इसको, हम तो वैसे भजन करता हूँ। बोले मैं तो आपका मन मन में ग्रहण कर लिया। बोले नहीं हम शिष्य नहीं बनाएंगे। इन्होंने देखा हम क्या करें, ये संत हमें अपना चरण में स्वीकार करे। बोले सेवा ऐसे की चीज है ना, कहते ना जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलता। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन। अगर किसी साधु को कृपा पाना हो बोले तीन काम करना पड़ेगा। बोले क्या काम है? बोले तद्विधि प्रणिपात न, पहले जाकर इनका चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाओ, फिर उनकी प्रश्न करो और क्या करो उनकी सेवा करो। सेवा ऐसे की चीज है ना जैसे घर में पत्नी, भगवान कहते हैं वस्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम जता। जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 ऐसे वसुंध कर देता है, दिन भर पति काम करेगा, दिन भर पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा लगा किसको देता है? अपना बीबी को। अगर पति को कोई पैसा की जरूरत हो ना किसको पास मांगेगा? पत्नी को पास में। फिर पत्नी बोलेगी इतना पैसा क्या करोगे, क्यों पैसा मांग रहे हो? जिसने कमाया सब कुछ धवाया उसने दिया, जो वो पैसा मांगते ना बोले इतना पैसा क्या करोगे, क्यों पैसा इस्तेमाल ले रहे हो? और डांट मारती है, डांट लगाते कि नहीं हम लोग डांट लेते हैं एकदम। इसलिए ऐसे उन्होंने बसीबू तो उनको कर देते हैं। इसलिए उन्होंने देखा जब तक इनकी सेवा नहीं करेंगे ना विवाह नहीं मिलेगा। बोले भैया क्या सेवा करें इनकी, ये तो विरक्ति संत माधुपुरी ला करके आते हैं और भजन करते हैं, इनको सेवा क्या करें? देखो उन्होंने सेवा ढूंढ लिया। बोले क्या सेवा ढूंढ लिया? बोले ये जाते हैं जंगल में शौच क्रिया करने के लिए। बोले इतना सेवा करो उनको, शौच क्रिया जहां पर पायखाना करते हैं कहते केवल उसी जगह को हम साफ करेंगे। उन्होंने जाकर उनको साफ करना शुरू किया। उस संत ने देखा भैया रोज मैं शौच क्रिया में जाता हूँ, दूसरे दिन आकर के देखता हूँ ये साफ रहता है। भैया किसने मेरे सेवा कर रहे हैं, मैं तो किसकी चरण में अपराधी बन रहा हूँ। फिर उन्होंने देखा ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है ना यही आकर के ये सारे काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिए, मेरे को तुम अपराधी क्यों बनाते हो? बोले गुरुदेव आपको मैंने मन मन में गुरु मान लिया है, आप मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हो, इसलिए गुरु जी हमें स्वीकार करो। उनकी सेवा चेष्टा देख करके फिर उन्होंने उनको स्वीकार किया। इसलिए एक दिन जब उनको दीक्षा मंत्र दिए, एक दिन बैठ करके हरिनाम कर रहे थे, एक बार हाथ जाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जोर से बोलो। और एक बार बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए जब उन्होंने बैठ करके माला जप कर रहे थे, देखो एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है। जब हम ठाकुर जी की माला